हेलो बच्चों, कैसे हो सब? तो बच्चों, आज इस सेशन में हम जेई एडवांस्ड 2013 टू 2020 तक के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिनमें टॉपिक हमने कवर किया है वर्क एनर्जी पावर, सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा। ठीक है, ये यूनिट नंबर 2 का पार्ट है। ठीक है बेटा, चलिए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद एन इनिशियल स्पीड u नॉट एट एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रैजेक्टरी, इट मेक्स ए कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन विद अनदर आइडेंटिकल पार्टिकल विच वॉज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद द सेम इनिशियल स्पीड u नॉट। द एंगल दैट द कंपोजिट सिस्टम मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल इमीजिएटली आफ्टर द कोलिजन इज। काफी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था जे एडवांस्ड 2013 के अंदर। इसमें कॉलिजन भी इंक्लूड है, प्रोजेक्टाइल मोशन भी इंक्लूड है, राइट? चलिए देखते हैं हम। तो फर्स्ट पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से यू नॉट स्पीड एंगल अल्फा से आपने लॉन्च किया, तो ये पार्टिकल जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो इस पार्टिकल के पास केवल हॉरिजॉन्टल स्पीड होगी, यहाँ पर वर्टिकल स्पीड यहाँ जीरो हो जाएगी। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन स्पीड हम अच्छे से जानते हैं, एक्स डायरेक्शन या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रेजेंट नहीं है क्योंकि एयर को हमें इंक्लूड नहीं करना है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा इसका, यू नॉट कॉस अल्फा बिफोर कॉलिजन, है ना, जस्ट बिफोर कॉलिजन पार्टिकल के पास वेलोसिटी कितनी है, यू नॉट कॉस अल्फा। ठीक है, और सेम टाइम में एक पार्टिकल को हमने नीचे से लॉन्च किया है, लेकिन वो जब पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो उस पार्टिकल के पास जो स्पीड है वो मालूम नहीं है कितनी है, लेकिन हाँ, उसको जब ग्राउंड से आपने लॉन्च किया तो उस पार्टिकल की स्पीड एग्जैक्टली यू नॉट के बराबर थी, जो कि फर्स्ट पार्टिकल की प्रोजेक्शन स्पीड के इक्वल है। यू नॉट से आपने लॉन्च किया, लेकिन ये नहीं कह रखा है इस क्वेश्चन में कि जब आपने इसको लॉन्च किया तो सेम टाइम में इसको लॉन्च किया। ठीक है, सेम टाइम में अगर आप लॉन्च करोगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये कॉलिजन कर जाए यहाँ पर, है ना, ये कॉलिजन नहीं हो सकती उस केस में। ठीक है, क्योंकि जाते समय तो कॉलिजन पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी जो है वो डेफिनेटली यू नॉट से कम होगी ना, तो उस केस में ये पक्का पक्का नहीं होगा ऐसा कि जाते समय ये पार्टिकल इससे कोलिजन कर जाए। हाँ, ये कंफर्म है कि जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँचेगा और ये वाला पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, तो इन दोनों का जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है ना, वो दोनों का सेम होगा। ठीक है, तो इस पार्टिकल की तो स्पीड पता है, लेकिन इस वाले पार्टिकल की स्पीड पता नहीं है बिफोर कोलिजन। हाँ, ये जब यहाँ पहुँचेगा तो ये एच मैक्स के बराबर हाइट को कवर करेगा, तो हमें v की वैल्यू निकालनी है, तो h max से हम v की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पर। तो v की वैल्यू चलो हम यहाँ फाइंड करते हैं, तो v बराबर सेकंड पार्टिकल के लिए v बराबर u प्लस at, इक्वेशन मोशन में अप्लाई कर दूं, नहीं, t वाला पार्ट हमें लेना ही नहीं है, थर्ड इक्वेशन में यूज करूंगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर एंड हियर u इज u नॉट, सो u नॉट स्क्वायर प्लस 2as, a इज नेगेटिव माइनस g, माइनस 2g इनटू h, h इज द हाइट, राइट, विच इज एच मैक्स। एच मैक्स कितना होगा प्रोजेक्टाइल मोशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एच मैक्स कितना आएगा, यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में 2g। काफी सिंपल है, एच मैक्स इतना ही होता है, 2g से 2g कैंसिल आउट हो गया, या यू नॉट स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस साइन अल्फा जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा जाएगा, जिसको मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर अल्फा। सो यू नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू वी स्क्वायर, देन वी इज इक्वल टू आगे आपके पास यू नॉट कॉस अल्फा, है ना। तो जस्ट बिफोर कोलिजन सेकेंड पार्टिकल की वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड यू नॉट कॉस अल्फा है और फर्स्ट पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड यू नॉट कॉस अल्फा है, दोनों सेम है, सेम मैग्नीट्यूड की हैं। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमें इस पे कोलिजन का कॉन्सेप्ट लगाना है और सॉल्व करना है, तो चलिए अप्लाई करते हैं। आइए, तो यहाँ पर अब बिफोर कोलिजन की अगर मैं बात करूं तो इस पार्टिकल का मोमेंटम कितना आएगा, m u नॉट cos अल्फा, इस वाले डायरेक्शन को मैं i कैप अज्यूम कर सकता हूं। ठीक है, इस वाले पार्टिकल का मोमेंटम भी सेम मैग्नीट्यूड का आएगा, m u नॉट cos अल्फा, क्योंकि वेलोसिटी यहां पर u नॉट cos अल्फा आ गई थी इसकी, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में इसको मैं j कैप इंक्लूड कर लूंगा। तो बिफोर कोलिजन ये मोमेंटम है और आफ्टर कोलिजन, क्योंकि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है और ये सिस्टम स्टिक कर जाएंगे, दोनों स्टिक कर जाएंगे, एंड देन कंपोजिट सिस्टम जो है उसका नेट मास कितना हो जाएगा, 2m, एंड लेट्स से जो वेलोसिटी है वो v डैश वेक्टर हो गई,
ठीक है, कंपोजिट सिस्टम की वेलोसिटी वी डैश वेक्टर है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, एम एम यहां से कैंसिल आउट हो गया और यहां से आपके पास वी डैश वैक्टर जो कंपोजिट मास है उसकी वेलोसिटी आपके पास आ चुकी है बाई टू डिवाइड में आ जाएगा और ब्रैकेट में कितना आया यू नॉट कॉस एल्फा आई कैप प्लस यू नॉट कॉस एल्फा जे कैप, है ना, ये वेलोसिटी आ गई। अब अगर आप देखो तो आई कैप का कोफिशियंट और जे कैप का कोफिशियंट सेम है यहां पर, है ना, इस वेलोसिटी का मतलब ये सिस्टम कंपोजिट सिस्टम होने के बाद यहां पर, है ना, आफ्टर कोलिजन ये सिस्टम जो है आई कैप जे कैप मतलब कुछ इस तरफ जाएगा और आई कैप का जो कोफिशियंट है वो भी यू नॉट कॉस अल्फा बाई टू है और जे कैप का जो कोफिशियंट है वो भी यू नॉट कॉस अल्फा बाई टू है, मतलब ये दोनों जो कंपोनेंट है वो सेम लेंथ के एरो से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पर अगर मैं थीटा अज्यूम कर लूँ, सो टेन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर और बेस का रेशो वन आएगा, सो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 45 डिग्री। बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन ये बनाया IIT ने, फर्स्ट ऑप्शन बेटा इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। द वर्क डन ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास एम बाय अ फोर्स के ब्रैकेट एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल पावर 3/2 आई कैप प्लस वाई अपॉन जो भी है के बीइंग ए कांस्टेंट ऑफ अप्रोप्रिएट डायमेंशंस व्हेन द पार्टिकल इज टेकन फ्रॉम द पॉइंट ए कोमा जीरो टू द पॉइंट जीरो कोमा ए अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस ए अबाउट द ओरिजन इन द एक्स वाई प्लेन इज। ओके वर्क डन आपसे पूछा है यहां पर कौन से फोर्स से, ये जो फोर्स दे रखा आपको एक्स वाई की फॉर्म में फोर्स दे रखा आपको, इस फोर्स के कारण हमसे वर्क डन पूछा है और पार्टिकल को आपको एक सर्कल में लेके जाना है और किस पॉइंट पर ए कोमा जीरो से जीरो कोमा ए तक ए रेडियस के सर्कल में इन दोनों पॉइंट के बीच में पार्टिकल को आप लेके जाओगे, वर्क डन आपसे पूछा है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चेक करना बहुत जरूरी है कि ये जो फोर्स की जो इक्वेशन लिख रखी है एक्स और वाई के टर्म्स में क्या हम इसको पोजिशन वैक्टर के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो ये क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा। देखिए ये है ओरिजिन, मान लीजिए मैंने ये वाला पॉइंट यहां पे लिया और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स कॉमा वाई है। ठीक है, तो इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर वो डेफिनेटली एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप हो जाएगा, ये डायरेक्शन एक्स है ये वाला डायरेक्शन वाई है, सो पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एंड द लेंथ ऑफ दिस पार्ट, है ना, ये दिस एरो इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस लेंथ, सो लेंथ को मैं सिंपली आर से रिप्रेजेंट कर सकता हूं और लेंथ आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब आर स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। तो अगर मैं इस पार्ट को जो फोर्स आपको दे रखा है इस पार्ट को अगर आर की टर्म्स में रिप्रेजेंट करूं तो क्या लिखा जा सकता है, देखिए के इज अ कॉन्स्टेंट, के को बाहर रखिए, एक्स आई कैप अपॉन ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है जिसको मैं आर स्क्वायर लिख सकता हूं, आर स्क्वायर की होल पावर 3/2 तो कितना बचेगा आर क्यूब बचेगा ना, तो यहां आर क्यूब आ गया। नेक्स्ट देखिए वाई अपॉन में सेम क्वांटिटी आ रही है, इसका मतलब वाई जे कैप और नीचे भी आर क्यूब आ गया और यहां से आप इसको फोर्स को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, आर क्यूब को आप डिवाइड में ले आइए यहां पे कॉमन ले लीजिए और ब्रैकेट में देखिए क्या आया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप जो कि आर वेक्टर था जो कि अभी मैंने बताया था आपको आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो इसको मैं आर वेक्टर लिख सकता हूं। तो यहां से क्लियरली पता लग रहा है जो फोर्स है वो रेडियल डायरेक्शन में है, आर वेक्टर के अलोंग है फोर्स, है ना, फोर्स हमेशा रेडियल डायरेक्शन में ही रहेगा। इसका मतलब ये जो पॉइंट है आपके पास, ठीक है, इसको रब करते हैं हम। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट देखते हैं अपन, ए कोमा जीरो कहां पे है, यहां पर है ए कोमा जीरो और जीरो कोमा ए कहां पे होगा, जीरो कोमा ए यहां पर होगा कहीं ना कहीं, और आप इस पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे लेके आ रहे हो, इस पाथ के थ्रू लेके आ रहे हो बेटा, है ना, इस पाथ के थ्रू आप पार्टिकल को लेके आओगे। तो आप थोड़ा गौर से देखना जो फोर्स है वो आर वेक्टर के लोंगे बेटा, आर वेक्टर देखा जाए तो अच्छा ये जो डिस्टेंस है इस पाथ पे कहीं पे भी आप लेंथ लीजिए, है ना, सेंटर से डिस्टेंस देख लीजिए, सेंटर से डिस्टेंस ए के बराबर आएगी तो आर क्यूब हो जाएगा ए क्यूब, बाकी ब्रैकेट में आर वेक्टर तो आएगा आएगा। इसका मतलब अगर पार्टिकल किसी इंस्टेंट पे सपोज यहां पे प्रेजेंट है तो पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स इस तरफ है रेडियल डायरेक्शन में, और आप इस पार्टिकल को जब लेके जाओगे तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इस तरफ आएगा डीएस वेक्टर, सो फोर्स और डीएस वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन रहा है यहां पे 90 बन रहा है, गौर से देखिए 90 है एंगल और ऑलवेज 90 रहेगा कहीं पे भी ले लीजिए आप।
So work done by this force for small displacement ds vector is f dot ds. F dot ds is f ds cos 90 which is 0. तो वर्क डन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन जीरो भाई, इसका मतलब यहां से यहां तक के लिए टोटल वर्क डन भी कितना आएगा, जीरो आएगा, है ना, कितना सिंपल क्वेश्चन। तो ये केवल जो भी कुछ इसमें मिस्ट्री छुपी हुई थी या जो भी राज छुपा हुआ था वो इसी इक्वेशन में छुपा हुआ था। आर वेक्टर की टर्म में कन्वर्ट करके देखा जाए तो क्वेश्चन काफी ईजी हो जाता है ये। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आइए, ए पार्टिकल ऑफ मास 0.2 केजी इज मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर ए फोर्स दैट डिलीवर्स ए कॉन्स्टेंट पावर 0.5 वोल्ट। मतलब एक पार्टिकल है, ठीक है, एम मास का सपोज मैंने लेट कर लिया, एम की वैल्यू गिवन है आपको, और आपने इस पे एक फोर्स अप्लाई किया हुआ है और ये फोर्स एक कॉन्स्टेंट पावर डिलीवर कर रहा है। और हमें अच्छे से पता है कि मान लीजिए अगर पार्टिकल की वेलोसिटी वी है तो जो पावर होती है इंस्टेंटेनियस पावर वो एफ इंटू वी के इक्वल होगी, एफ वी कॉस जीरो, सो एफ वी हो जाएगा पावर, और पावर की वैल्यू फिक्स दे रखी है आपको। इफ द इनिशियल स्पीड इन मीटर पर सेकंड ऑफ द पार्टिकल इज जीरो, ओके, तो यू जो है पार्टिकल का वो जीरो है, द स्पीड आफ्टर 5 सेकंड इज, 5 सेकंड बाद में हमें स्पीड बतानी है इसकी, राइट, पी हमें गिवन है यहां पर, एफ जो है जिसको मैं मास इंटू एक्सेलरेशन से रिलेट कर सकता हूं, लगने वाला जो फोर्स है एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूं डीवी बाई डीटी, राइट, सो डीवी बाई डीटी आ गया, और इनटू में वी भी है तो वी को यहां पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया साइड में। ठीक है, इस वे से मैं इसको लिख सकता हूं, पी की वैल्यू आपके पास 0.5 है, 0.5 रख देता हूं, एम डिवाइड में आ जाएगा, एम की वैल्यू 0.2 है, 0.2 रख दिया, बराबर वी डीवी, और डीटी जो है वो आप इधर ला सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो डीटी को, कोई इश्यू नहीं है इसके अंदर, एंड देन फिर बेटा आप इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे टी है, यहाँ पर वी वेरिएबल है, टी बराबर जीरो पर इनिशियल स्पीड आपको जीरो दे रखी है, और टी बराबर 5 सेकंड, मतलब यहाँ पर 5 रख देना, और वी की वैल्यू आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, ये पॉइंट हट जाएगा, ये 5/2 आ जाएगा यहाँ पर, डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, अपर लिमिट 5 है, लोअर लिमिट 0 है, तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा 5/2 इंटू में 5 आ गया, बराबर यहाँ पे देखा जाए तो v² / 2 आ जाएगा, v² / 2, अपर लिमिट इज v, लोअर लिमिट 0, तो v² / 2 ही बचेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, v² / v² इज इक्वल टू 25, देन v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। तो यहां से भी क्लियरली नजर आ रहा है कि जे एडवांस 2013 का ये क्वेश्चन कितना इजी रहा है। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, है ना, पूरा पेपर टफ नहीं होता, कुछ क्वेश्चन काफी इजी होते हैं, उन क्वेश्चन को ढूंढना बहुत जरूरी होता है बेटा, तो इसलिए पूरा पेपर सॉल्व करना मस्ट है, पूरा पेपर देखना मस्ट है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ए बॉब ऑफ मास एम सस्पेंडेड बाय ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L1 इज गिवन ए मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए फुल सर्कल इन द वर्टिकल प्लेन, एट द हाईएस्ट पॉइंट इट कोलाइड्स इलास्टिकली विद अनदर बॉब ऑफ मास एम सस्पेंडेड बाय ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L2 विच इज इनिशियली एट रेस्ट, बोथ द स्ट्रिंग्स आर मासलेस and inextensible if the second bob after collision acquires a minimum speed required to complete a full circle in the vertical plane, then the ratio L1/L2 is. बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, एक तो वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन वाला पार्ट कवर हो गया और दूसरा कोलिजन वाला पार्ट भी इसमें इसके अंदर कवर हो गया। और हम अच्छे से जानते हैं कि स्ट्रिंग से अगर किसी बोब को आप कनेक्ट करके आपको उसको लॉन्च करना है लोवेस्ट पोजिशन से, कितनी मिनिमम स्पीड आप देंगे जिससे कि वो सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करे, तो नीचे वाले पॉइंट पे स्पीड होती है अंडर रूट 5 GL, और जब वो ऊपर वाले पॉइंट पे पहुंचता है तो उसकी स्पीड होती है अंडर रूट GL, यहां पे 90 डिग्री एंगल पे हॉरिजॉन्टल वाली लाइन पे स्पीड होती है अंडर रूट 3 GL। बहुत ही कॉमन सी चीज है ये आप सबको मालूम होनी चाहिए। तो जो फर्स्ट पेंडुलम है ना, उसकी लेंथ L1 है, तो ये कुछ ऐसा हो रहा है, देखिए यहां पर है ये लेंथ L1 है, आपने इसको इतनी स्पीड देनी है जी कि जस्ट ये कंप्लीट कर सके सर्कुलर पाथ, है ना, ये जस्ट कंप्लीट कर सके। इसका मतलब यहां पर जो आपने स्पीड दी है इसको, वो डेफिनेटली अंडर रूट 5 GL1 के इक्वल है, ओके? तो जब ये पार्टिकल यहां पे पहुंचेगा तो इसकी स्पीड डेफिनेटली यहां पर, जब यहां पे पहुंचेगा तो यहां पे स्पीड इसकी कितनी होनी चाहिए, अंडर रूट GL1, यहां पे अंडर रूट GL1 एग्जैक्टली, ठीक है, यहां तक तो ठीक है। लेकिन अब ये कह रहा है कि ये ऊपर वाले पॉइंट पर एक और पेंडुलम है जो रखा हुआ है, तो जिससे कि ये इलास्टिक कोलिजन करता है ना, इलास्टिक कोलिजन, तो कुछ ऐसा हो रहा है। देखिए आप, यहां पे स्पेस नहीं है तो इसलिए मैंने यहां बना दिया, इस पेंडुलम की लेंथ L2 है और जो दूसरा पेंडुलम, जो पहला पेंडुलम है वो पार्टिकल यूं आ रहा है और यहां पे जाके कोलिजन करेगा,
और उसकी लेंथ कितनी है, L1 है। जब ये कोलिजन करेगा तो इसकी स्पीड है अंडर रूट जी एल वन, और मास दोनों का सेम है, कोलिजन इलास्टिक है। और हम अच्छे से जानते हैं जब मास सेम होता है कोलिजन इलास्टिक होती है, और हेड ऑन कोलिजन होती है तो उस केस के अंदर, उस केस में वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती है ना। मतलब इसकी स्पीड जीरो थी तो जीरो इसकी हो जाएगी, और इसकी स्पीड अंडर रूट जी एल वन थी तो इस वाले की स्पीड क्या हो जाएगी, अंडर रूट जी एल वन हो जाएगी बेटा। और ये कह रहा है कि ये इतनी स्पीड है कि जिससे कि ये सर्कुलर पाथ को कंप्लीट कर सके। इसका मतलब ये इसका लोवेस्ट पोजिशन हुआ ना, तो इसका मतलब अंडर रूट जी एल वन जो है दूसरे पेंडुलम के लिए वो पक्का पक्का अंडर रूट फाइव जी एल टू के बराबर होना चाहिए, तभी तो ये कंप्लीट करेगा। बस खत्म, जी से जी कट गया, स्क्वेयरिंग कर दो, एल वन और ये एल टू डिवाइड में आ जाएगा और बराबर आ जाएगा फाइव। और हमसे यही क्वेश्चन पूछा था कि इसमें एल वन बाई एल टू की वैल्यू कितनी है, तो आंसर क्या जाएगा, फाइव के इक्वल, है ना। था ना कितना आसान क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके हाँ जी, पैराग्राफ का है, ए स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास वन केजी इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ ए रफ ट्रैक, द ट्रैक इज ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 40 मीटर। ये आपको एक रफ ट्रैक दे रखा है और इसकी रेडियस जो है वो आपको गिवन है 40 मीटर के इक्वल। ओके, द ब्लॉक स्लाइड्स अलोंग द ट्रैक विदाउट टॉपलिंग एंड ए फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट ऑन इट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। द वर्क डन इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन अप टू द पॉइंट क्यू एज शोन इन द फिगर बिलो इज 150 जूल। ओके, तो इस ब्लॉक को आपने रिलीज कर दिया, ब्लॉक फिसलता हुआ स्लाइड करता हुआ यहां तक आएगा, तो ये कह रहा है कि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स जो है 150 जूल है। इसका मतलब वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, माइनस 150 जूल। समझ गए ना बात को। तो यहां से यहां तक आने में फ्रिक्शन ने इतना वर्क किया है, ये हमें दे रखा है ऑलरेडी। टेक द एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द स्पीड ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट रीचेस द पॉइंट क्यू इज। अब ये कह रहा है जब ये पॉइंट क्यू पे पहुंचेगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी, स्पीड निकालनी हमें। तो अब आप वर्क एनर्जी थ्योरम से इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो बेटा। तो चलिए देखते हैं, मास में एम कंसीडर कर लेता हूं, तो जब ये ब्लॉक यहां से यहां तक आएगा तो कौन कौन से फोर्स इस पर वर्क कर रहे हैं, एक तो एम जी और एक फ्रिक्शन फोर्स, दो ही वर्क करेंगे। हाँ, नॉर्मल लगेगा जरूर, लेकिन नॉर्मल बेटा हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहेगा, तो नॉर्मल के कारण पावर कितनी डिलीवर होगी, जीरो, तो वर्क डन भी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो वर्क केवल और केवल एमजी करेगा और फ्रिक्शन फोर्स करेगा। तो एमजी ने कितना वर्क किया बेटा, तो एमजी डाउनवर्ड लग रहा है, तो आप ये देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये वाली हाइट होगी, दिस इज रेडियस आर, तो ये इस ट्रायंगल से आप देख सकते हो ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा जो कि आर साइन 30 के इक्वल हो जाएगा। आर साइन 30 मीन्स आर बाई टू। सो वर्क डन बाय एमजी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज एमजी आर बाय टू, displacement in vertical direction is r by 2, right? So work done by mg is mg r by 2, and work done by friction force is given 150, but with minus sign. So minus 150 is equal to change in kinetic energy. Final kinetic energy is half mv square, और initial zero था क्योंकि आपने rest से इसको release किया था। बस यहाँ से इसको आपको solve करना है। m की value 1 kg, 1 रख दीजिए। g की value 10 है, 10 into 1, 10. r की value, radius जो है आपको 40 meter given है, तो 40 रख दीजिए by 2. माइनस 150 इज इक्वल टू 1 बाई 2, एम की वैल्यू 1 है तो ये वी स्क्वायर आ जाएगा। यहां से इसको कट करें हम तो ये आ गया 5 और ये आ जाएगा 200, राइट। माइनस 150 इज इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू वी स्क्वायर, 200 माइनस 150 इज 50, 50 इंटू 200, 100 इज इक्वल टू वी स्क्वायर, विच मीन्स वी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। ये लो जी, ये आंसर आ गया इसका, है ना। तो ये था फर्स्ट पार्ट का आंसर। चलिए अब हम तो इसमें अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट को पहले रीड करते हैं एंड देन फिर डायग्राम की जरूरत पड़ेगी तो पीछे चले जाएंगे अपन। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन दैट एक्ट्स ऑन द ब्लॉक एट पॉइंट क्यू इज, क्यू पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू बतानी है हमें, ठीक है। चलिए वापस आते हैं उसी पॉइंट पर, आइए क्यू पॉइंट में नॉर्मल पूछा आपसे, है ना। तो इस पॉइंट पर स्पीड हमें पता लग चुकी है, नॉर्मल इस डायरेक्शन में लगेगा, कलर चेंज कर लें, नॉर्मल इस डायरेक्शन में लगेगा एन, फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ लग रहा है एफ, नॉर्मल लगा दिया फ्रिक्शन लगा दिया, एमजी डाउनवर्ड लगेगा
करेक्ट, बस तीन ही तो फोर्स लगेंगे यहां पर। और अगर आप गौर से देखें तो mg का एक कंपोनेंट इस तरफ मैं ले सकता हूं, ठीक है, और अगर ये वाला कंपोनेंट देखा जाए तो एक तो देखो एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी आएगा। तो mg के दो कंपोनेंट ले लिए मैंने, एक तो इधर और एक इधर, ठीक है। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स देखा जाए तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है और mg का ये वाला कंपोनेंट भी लग रहा है, लेकिन टेंजेंशियल हमें चाहिए नहीं, हमें तो एन को कैलकुलेट करना है। यहां पर mg का ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, ये वाला, तो इसके लिए एंगल देखना पड़ेगा हमें। तो ये वाला एंगल 30 है, अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं ये 30 तो ये वाला भी 30 आएगा, ये 30 तो ये वाला 60 आ जाएगा, राइट, 60 आएगा। तो mg के इस तरफ कंपोनेंट कितना आएगा, mg cos 60, राइट, mg cos 60 एंड विच इज mg बाई 2, और इस तरफ वाला कंपोनेंट भी mg sin 60 आ जाएगा, उसको लेने की जरूरत नहीं है। तो अब ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है बेटा, इसका मतलब टुवर्ड सेंटर जो फोर्स लगेगा वो कितना आएगा, n माइनस mg बाई 2। टुवर्ड सेंटर फोर्स कितना लगेगा यहां पर, n माइनस mg बाई 2, n माइनस mg बाई 2 टुवर्ड सेंटर, यही सेंट्रीपिटल फोर्स है, विच इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, है ना। यहां से आपको n की वैल्यू निकालनी थी, n बराबर आ जाएगा mg बाई 2 प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो इसको रब कर देते हैं, और v की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड थी, वो हमने कैलकुलेट कर रखा था पहले से, ये वैल्यू रख देंगे हम। आइए, तो n इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है, 1 kg है, और g की वैल्यू 10 है, तो 10 इंटू 1 बाई 2 मतलब 5 आ गया ये, प्लस m की वैल्यू 1 है, 1 रख दो, v की वैल्यू 10 थी, 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100, और बाय r, और r की वैल्यू 40 मीटर है, 40 रख दीजिए, इसे कट कर दो, ये 2, ये 5 बाई 2 मतलब 2.5 होता है, 2.5 प्लस 5 आ जाएगा आपके पास 7.5 न्यूटन। चलिए देखते हैं, यस, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन बेटा करेक्ट हो जाएगा, 7.5 न्यूटन। तो अगेन ये क्वेश्चन भी देखा जाए तो इजी कैटेगरी का है ना, मॉडरेट लेवल का भी नहीं है, ये इजी कैटेगरी का क्वेश्चन था, काफी इजी क्वेश्चन था बेटा, ठीक है, जेई एडवांस 2013 में ही पूछा गया था। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, ठीक है। कंसीडर एन इलिप्टिकली शेप्ड रेल पी क्यू इन द वर्टिकल प्लेन विद ओपी इज इक्वल टू 3 meters एंड ओक्यू इज इक्वल टू 4 meters। तो ये इलिप्टिकल एक कोई रेल है, कोई ट्रैक है, ये लेंथ आपको 3 meters गिवन है और ये वाला लेंथ आपको 4 meters गिवन है, एंड दिस एंगल इज 90। ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज पुल्ड अलोंग द रेल फ्रॉम पी टू क्यू, पी से क्यू तक आपको इसको लेके जाना है, और एक फोर्स जिसकी वैल्यू है 18 newton, 18 newton फोर्स से आप इसको पुल कर रहे हो, विच इज ऑलवेज पैरेलल टू द लाइन पी क्यू, सी द फिगर गिवन, राइट। तो ये जो फोर्स लग रहा है ना, ये ध्यान रखना, ये फोर्स हमेशा पी क्यू के पैरेलल रहेगा, और इसकी वैल्यू भी फिक्स है 18 newton, दैट मींस फोर्स इज कांस्टेंट, डायरेक्शन में भी कांस्टेंट है और मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट है, इज दैट क्लियर, डायरेक्शन भी कांस्टेंट और मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट है। जब फोर्स की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है तो फोर्स के कारण वर्क डन जब निकालना होता है तो फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा होता है ना, उसी डायरेक्शन में आप देख लीजिए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, उस डिस्प्लेसमेंट को फोर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास वर्क डन आ जाता है, ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज है। आगे देखिए, अज्यूमिंग नो फ्रिक्शन लॉस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट रीचेस क्यू इज एन इंटू 10, द वैल्यू ऑफ द एन टेक एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। तो हमें ये पता करना है कि क्यू पे जब ये पार्टिकल पहुंचेगा तो उसकी जो स्पीड है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी जो है वो एन इंटू 10 के इक्वल है, और एन की वैल्यू हमें बतानी है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले देखिए, इस ब्लॉक पर जो फोर्स लगेगा तो ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड लगेगा, नॉर्मल लगेगा, लेकिन नॉर्मल और वेलोसिटी हमेशा, इस रेल के लिए बात करें, नॉर्मल और वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे, तो नॉर्मल कारण वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बाकी एक फोर्स और लग रहा है, इस फोर्स के कारण भी वर्क डन होगा, तो फोर्स देखो कॉन्स्टेंट बेटा। तो जब ये पार्टिकल यहां से यहां जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना इस डायरेक्शन में, यही तो है, दिस इज 4, दिस इज 3, एंगल 90, तो ये लेंथ पक्का 5 meters ही आएगी। सो वर्क डन बाय दिस फोर्स इज एफ इंटू 5, एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आएगा, माइनस mg, माइनस क्यों, क्योंकि mg डाउनवर्ड है, और डिस्प्लेसमेंट इन दिस डायरेक्शन विच इज 4, तो mg इनटू 4, नेट वर्क डन लिख दिया, बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम, हाफ एम वी स्क्वायर, यहां पर स्पीड v हो गई क्यू पर, और इनिशियल कितनी थी, 0, क्लियर। अब क्वेश्चन ये खत्म है पूरा, f की वैल्यू आपको दे रखी है 18, तो 18 रख दीजिए, 18 इंटू 5 माइनस m की वैल्यू आपको यहां पर कितना गिवन है, मास इज 1 kg, राइट, 1 kg, 1 इंटू जी मतलब 10, 10 इंटू 4 40, वी स्क्वायर बाई 2। अच्छा, हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी ना यहां पर, तो ये पूरी काइनेटिक एनर्जी ही है, ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यहां पर हमें देखनी है, तो ये कितना आ जाएगा, ये 90 आ जाएगा,
ठीक है, 18 into 5 90 आ गया, 90 minus 40 कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा. सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस रिंग, ठीक है, या ब्लॉक इज 50 जूल एट पॉइंट क्यू. सो काइनेटिक एनर्जी n into 10 है, तो n into 10 मतलब 5 into 10 ही तो होगा. सो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहां पर, 5 के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, अगेन ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है, एडवांस्ड एग्जाम के अंदर पूछा गया 2014 के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 है ये. ओके, चलिए देखिए, ए वायर विच पासेस थ्रू द होल इन ए स्मॉल बीड इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए क्वार्टर ऑफ ए सर्कल, द वायर इज फिक्स्ड वर्टिकली ऑन ग्राउंड इज ऑन द फिगर, द बीड इज रिलीज फ्रॉम नियर द टॉप ऑफ द वायर एंड इट स्लाइड्स अलोंग द वायर विदाउट फ्रिक्शन, एज द बीड मूव्स फ्रॉम ए टू बी द फोर्स इट अप्लाइज ऑन द वायर इज. क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, रिंग को अगर आप रिलीज करो तो ये रिंग जो है ना, यही पूछा है, द फोर्स इट अप्लाइज ऑन द रिंग ऑन द वायर, तो ये रिंग जो है वायर पर किधर फोर्स लगाएगा, रिंग वायर पर किधर फोर्स लगाएगा, ये पूछा है. तो आप अच्छे से जानते हो, बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है ये, आप अच्छे से जानते हो कि किसी स्फीयर पर या हेमिस्फीयर पर कोई पार्टिकल को जब आप रिलीज करते हो तो पार्टिकल कुछ देर तक तो उसके कॉन्टैक्ट में रहता है, पार्टिकल हेमिस्फीयर के या स्फीयर के कुछ देर तक तो कॉन्टैक्ट में रहता है ना, फिर ये इस जगह को छोड़ देता है, हट जाता है ये, ठीक है, 2h/3 हाइट पर ये हट जाता है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है. यहां से यहां तक जब भी कॉन्टेक्ट में रहता है तो पार्टिकल पे नॉर्मल लगेगा ऊपर, और पार्टिकल जो है इस स्फीयर पे फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन, और जैसे ही हट जाएगा फिर तो कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं हुआ. लेकिन अगर पार्टिकल की मोशन कंस्टेंट मोशन है, मतलब उसको बाउंड कर रखा आपने, जैसे यहां पर यह बाउंड है वायर के अलोंग ही मूव कर सकता है, तो जब तक यहां से यहां तक 2h/3 हाइट तक जब ये जाएगा, ये रिंग जब जाएगा, तो ऑब्वियसली रिंग जो है इस वायर पे फोर्स टुवर्ड सेंटर लगाएगा ना, टुवर्ड सेंटर. लेकिन जैसे ही अगर यहां वायर नहीं होता तो ये इससे कॉन्टेक्ट से हट जाता, दूर चला जाता, दूर चला जाता, इसका मतलब अब जो है वो जो वायर है वो वायर रिंग को, वायर रिंग को जो है खुद की तरफ खींच रहा है, क्योंकि रिंग नहीं होता, अगर ये वायर नहीं होता यहां पर तो इस रिंग जो रिंग है रिंग का पाथ कुछ ऐसा आता, लेकिन ये जो वायर है अब रिंग को अपनी तरफ खींचेगा ताकि इसको बाउंड कर सके. तो वायर जो है, ये वाला वायर जो है रिंग पर फोर्स यूं लगाएगा, तो फिर रिंग वायर पे फोर्स किधर लगाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में, करेक्ट, क्योंकि वायर रिंग को अपनी तरफ खींचेगा तो रिंग वायर को किधर खींचेगी, उल्टा ना, तो अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगाएगा. तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है ये. तो इसका आंसर क्या आने वाला है, ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड रॉन्ग, ऑलवेज रेडियली इनवर्ड रॉन्ग, रेडियली आउटवर्ड इनिशियली एंड रेडियली इनवर्ड लेटर, ये भी गलत है, रेडियली इनवर्ड इनिशियली एंड रेडियली आउटवर्ड लेटर, राइट, क्योंकि आपसे पूछा ये है ना, द फोर्स इट अप्लाइज ऑन द वायर इज, ये वायर पे फोर्स किधर लगाएगा, उस फोर्स के बारे में पूछा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा इसका. अगर इसका उल्टा पूछा होता ना कि वायर रिंग पे किधर लगाता, तो फिर उसके अकॉर्डिंग थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9. A tennis ball is dropped on a horizontal smooth surface. It bounces back to its original position after hitting the surface. The force on the ball during the collision is proportional to the length of compression of the ball. Which one of the following sketches describes the variation of its kinetic energy K with time t most appropriately? The figures are only illustrative and not to the scale. So simply, you have to plot kinetic energy and time in the graph. So see, when you have released the ball and collision. किस टाइप की है, ऑलमोस्ट आप इलास्टिक कोलिजन मान सकते हो, वैसे यहां पे इलास्टिक कोलिजन के बारे में, हाँ, अपने उसी जगह पे पहुंच पा रही है ना बॉल, इसका मतलब कोलिजन डेफिनेटली इलास्टिक है, क्योंकि लॉस नहीं हो रहा एनर्जी का. ठीक है, तो आपने जैसे ही बॉल को रिलीज किया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो जैसे से वो नीचे जाएगी तो उस बॉल की वेलोसिटी किसी टाइम पे, टाइम टी पे कितनी होगी, वी बराबर यू प्लस एटी, यू तो 0 है, जी टी तो आया माइनस में आ जाएगा डायरेक्शन वाइज, लेकिन स्पीड जो है वो जी टी के इक्वल हुई. और काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वो हाफ एम वी स्क्वेयर होता है, इसका मतलब एम बाई टू तो कांस्टेंट है, वी स्क्वेयर मतलब टी स्क्वेयर, तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वेयर, तो टी स्क्वेयर के प्रोपोर्शनल है, मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोलिक बनेगा. तो काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ है टी के साथ पैराबोलिक होगा, तो कर्व देखो पैराबोलिक, इसका ग्राफ कैसा बनना चाहिए, वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वेयर, ग्राफ कैसा होता है, इस वे से बनता है, ऐसा बनता है ना, तो ऐसा बनना चाहिए. देख लीजिए, फर्स्ट रॉन्ग हो गया, सेकेंड पॉसिबल है, फोर्थ भी रॉन्ग हो गया, थर्ड भी पॉसिबल हो सकता है इसके अकॉर्डिंग. लेकिन जब बॉल कॉलिजन करेगी
तो मोमेंटली रेस्ट में तो आएगी ना, है ना, कोलिजन का टाइम में उसकी स्पीड लगातार डिक्रीज होगी। तो यहां पे देखो स्पीड डिक्रीज हो रही है और यहां पे वेलोसिटी जीरो हो रही है, काइनेटिक एनर्जी जीरो, वेलोसिटी जीरो होगी, लेकिन यहां पे काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, ऐसा कैसे हो सकता है? मोमेंटली रेस्ट में आएगी तभी तो वापस बाउंस बैक करेगी वो, इसका मतलब ये वाला इनकरेक्ट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? और उसके बाद जब वापस बॉल उसी हाइट पे आएगी तो वेलोसिटी का रिलेशन वो इनिशियल वेलोसिटी के साथ वैसा ही होगा कुछ, उसमें भी पैराबोलिक इक्वेशन बनेगी। तो इसमें ग्राफ कुछ कुछ इस टाइप से आप बना सकते हो, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगी वापस वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसका सेकंड ऑप्शन बेटा करेक्ट हो गया, काफी सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ओके तो स्पेस नहीं है इसमें। ओके देखिए, ए ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम हैज ए सर्कुलर कट विद ए फ्रिक्शनलेस सरफेस एज शोन। द ब्लॉक रेस्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस ऑफ ए फिक्स्ड टेबल। इनिशियली द राइट एज ऑफ द ब्लॉक इज एट एक्स इक्वल टू जीरो इन ए कोऑर्डिनेट सिस्टम फिक्स टू द टेबल। ए पॉइंट मास एम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द पाथ एज शोन द फिगर एंड इट स्लाइड्स डाउन। व्हेन द मास लॉसेस कॉन्टैक्ट विद द ब्लॉक इट्स पोजिशन इज एक्स एंड द वेलोसिटी इज वी एट द इंस्टेंट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज आर करेक्ट। तो मोर देन वन का ये क्वेश्चन है, तो इसमें एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें इस क्वेश्चन को देखना है। तो ये सब कुछ फ्रिक्शनलेस है, ये आपको वेज नजर आ रहा होगा, ये भी फ्रिक्शनलेस है और ये जो ट्रैक दिख रहा है ये भी फ्रिक्शनलेस है। तो फ्रिक्शनलेस दे रखा आपको राइट, इस ऑब्जेक्ट को या छोटे से पार्टिकल को रिलीज करोगे तो ये स्लाइड करता हुआ नीचे आएगा। तो अब आप ये गौर से देखिए, इस पूरे सिस्टम पर, मतलब इस सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इस सिस्टम की बात मतलब इन दोनों को इंक्लूड किया मैंने, इस सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा। जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी जीरो होगा सिस्टम के, एसीएम जीरो। अगर एसीएम जीरो है तो वीसीएम कांस्टेंट हो जाएगा। सिंस इनिशियली वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज जीरो, तो फाइनल भी देखा जाए तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन शुड बी जीरो, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, एक्स डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो, एक्स डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट, जो कि इनिशियल जीरो थी तो बाद में भी जीरो ही रहेगी। इसका मतलब वीसीएम का एक्स कंपोनेंट जीरो ही रहेगा, और अगर वीसीएम का एक्स कंपोनेंट जीरो होगा इसका मतलब एक्ससीएम सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होने वाला। बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा लॉजिक है इसके अंदर। तो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होने वाला, बस उसी से ही अपन को फाइंड आउट करना है। तो ये कह रहा है कि जब ये पार्टिकल यहां से यहां आता है तो इस पार्टिकल का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो एक्स है, तो बताइए एक्स की वैल्यू कितनी होगी, करेक्ट। तो और वी भी है, वेलोसिटी वी भी है, वी की वैल्यू भी हमें बतानी है, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस को देखना है हमें। तो एक्स की वैल्यू यहां पे दे भी रखी है, एक्स की वैल्यू माइनस रूट टू एम आर बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम है, ये सही है गलत है ये चेक करना है। वी की वैल्यू भी दे रखी है और इवन जो ब्लॉक दे रखा है कैपिटल एम मास का, उस ब्लॉक की वेलोसिटी भी दे रखी है जब ये पार्टिकल नीचे आएगा, उस पोजिशन पर आएगा, राइट। तो अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं। अच्छा ये बताइए, इनिशियली देखा जाए तो सेंट्रो मास का एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा? ये पार्टिकल का सेंट्रो मास तो यही होगा, और ये जो वेज आपको नजर आ रहा है, इस वेज का सेंट्रो मास आप कहीं पे भी एज्यूम कर सकते हो, मैं यहीं पे एज्यूम कर लेता हूं वेज का सेंट्रो मास। तो इसका मतलब सिस्टम का जो सेंट्रो मास आएगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा, एक्ससीएम बराबर। स्मॉल एम का कितना आएगा, स्मॉल एम माइनस आर, क्योंकि इस तरफ एक्स है, इस तरफ वाई, इस तरफ वाई है, इस तरफ नेगेटिव एक्स आ गया, तो स्मॉल एम इंटू माइनस आर मतलब माइनस स्मॉल एम इंटू आर, प्लस कैपिटल एम का सेंट्रो मास मैंने यही लिया है तो वो जीरो कोऑर्डिनेट आ गया, तो एम इंटू जीरो मतलब जीरो हो गया, अपॉन में एम प्लस स्मॉल एम। ओके ये कंडीशन आ गई। अब जब ये नीचे आएगा तो ये इधर शिफ्ट होगा, क्योंकि ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नॉर्मल इधर लगेगा इस पर और इस पर इधर लगेगा, नॉर्मल का ये वाला जो कंपोनेंट है ना ये वेज को इस तरफ सरकाएगा, ठीक है, इस तरफ लेके जाएगा। तो जब ये यहां पर पार्टिकल पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं वेज जो है थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ, यहां पे आ गया और पार्टिकल यहां पे आ गया, पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो स्मॉल वी है और इसकी वेज की वेलोसिटी कैपिटल वी है, और इस वेज का जो जो सेंटर ऑफ मास है वो यहां पे है, जो कि मैंने यहां पे लिया है, इस एज पे लिया है, पार्टिकल का यहां पर है स्मॉल एम का। अब ये एक्स कोऑर्डिनेट यहां पे एक्स आ गया, करेक्ट। अब बताइए सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करूं यहां पे कितना आएगा, एम इंटू एक्स और कैपिटल एम इंटू एक्स, सही है, बाय एम प्लस स्मॉल एम, एम इंटू एक्स प्लस कैपिटल एम इंटू एक्स बाय एम प्लस स्मॉल एम,
यहां पर x की वैल्यू ऑटोमेटिकली यहां पर नेगेटिव आ जाएगी, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। m plus small m cancel out हो गया, so we have x is equal to minus mr upon m plus small m। ये शिफ्टिंग आ चुकी है और आप देख लीजिए x की वैल्यू क्या ये वाली मिल रही है अपन को, यस मिल रही है। सेकेंड ऑप्शन देखिए आप, द x कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ब्लॉक कैपिटल m का जो सेंटर ऑफ मास है वो यही है ना, इसकी शिफ्टिंग x ही तो ही है, और x इज इक्वल टू माइनस एम आर अपॉन में m प्लस मोल एम, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन इसका बेटा करेक्ट है, पूरी तरह से करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको रब कर दूं मैं, स्पेस मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन बेटा इसका करेक्ट हो गया। अब हमें वेलोसिटी के बारे में देखना है, वेलोसिटी कितनी आएगी। चलिए वापस मैं इसको थोड़ा ड्रॉ कर दूं यहां पर, ये पार्टिकल वेलोसिटी स्मॉल वी, मास स्मॉल एम, इसका मास कैपिटल एम, इसकी वेलोसिटी कैपिटल वी, करेक्ट। पहली चीज यहां पे एनर्जी लॉस तो होने वाला है नहीं, इसका मतलब वेलोसिटी में रिलेशन हम फाइंड कर सकते हैं एक एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेशन फाइंड करके। तो ये देखिए कि जब ये पार्टिकल नीचे आएगा तो ड्यू टू ग्रेविटी कितना वर्क हुआ, एम जी इंटू में आर, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ग्रेविटी, ग्रेविटी कारण। तो या तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम से कर लीजिए या आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ग्रेविटी के बिहाफ से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, ग्रेविटी इस केस में वर्क करेगी बेटा। ठीक है, या एमईसी से कर लीजिए, चलो एमईसी से करें। तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी कितनी आ जाएगी पार्टिकल की, एम जी इंटू में आर, और काइनेटिक एनर्जी दोनों की जीरो है अभी। और जब ये पार्टिकल नीचे आएगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी और दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है, हाफ एम स्मॉल वी स्क्वायर प्लस हाफ एम कैपिटल एम वी, कैपिटल वी स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल एम कैपिटल वी स्क्वायर, ये इक्वेशन बन गई। और दूसरा, चूंकि हमें पता है कि एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में इसका लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। इनिशियल लीनियर मोमेंटम कितना था, जीरो था, क्योंकि आपने रिलीज किया था। फाइनल लीनियर मोमेंटम की बात करें, इसका आ जाएगा स्मॉल एम इंटू वी, इसका आ जाएगा कैपिटल एम इंटू कैपिटल वी, सो अपोजिट है ना, तो मोमेंटम आ जाएगा एम इंटू वी माइनस कैपिटल एम इंटू कैपिटल वी, बराबर क्या आएगा, जीरो, क्योंकि इनिशियल कितना था, जीरो था। तो यहां से आपके पास वी और कैपिटल वी में एक और रिलेशन आ चुका है, तो मैं एक काम करता हूं, कैपिटल वी की वैल्यू यहां से रख देता हूं, स्मॉल एम वी अपॉन में कैपिटल एम, और ये वाली वैल्यू यहां रख दूंगा इस इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में रखें अपन, तो फाइनल वैल्यू क्या आने वाली है, देखिए एम जी आर बराबर हाफ जो है इसको, इस टू को मैं इधर ले आता हूं, यहां से एम स्मॉल वी स्क्वायर प्लस कैपिटल एम इंटू कैपिटल वी स्क्वायर, कैपिटल वी जो है वो आपके पास है, इसका स्क्वेयरिंग करोगे तो एम स्क्वायर स्मॉल वी स्क्वायर अपॉन में कैपिटल एम स्क्वायर, राइट, कैपिटल एम स्क्वायर आ चुका है यहां पर। तो ये कैपिटल एम से कैपिटल एम कैंसिल आउट हो गया, अब इसको मैं यहां से हटा देता हूं, इसकी कोई नीड नहीं है हमें। ठीक है, तो यहां से आपके पास देखो वैल्यू कितनी है, देखो ये एम कैंसिल आउट हो गया यहां से, यहां आ जाएगा टू जी आर, वी स्क्वायर यहां पे कॉमन आ गया, और यहां ब्रैकेट में बचेगा वन प्लस स्मॉल एम बाई कैपिटल एम, एलसीएम लोगे तो ऊपर आ जाएगा एम प्लस स्मॉल एम और डिवाइड में कैपिटल एम, करेक्ट। देन वी हैव वी इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई कर दो, टू एम जी आर अपॉन में एम प्लस स्मॉल एम, और फिर अंडर रूट, ये आपके पास कैपिटल स्मॉल वी की वैल्यू आ गई, मतलब जो पार्टिकल है ना, पार्टिकल की स्पीड आपके पास यहां पर आ चुकी है। अब इसने पार्टिकल की स्पीड कहीं पे दे रखी है क्या, हाँ, फोर्थ ऑप्शन द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट मास m इज इक्वल टू स्मॉल v इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी आर अपॉन में वन प्लस स्मॉल m बाई कैपिटल m, ये वैल्यू क्या इसके साथ मैच खा रही है, yes, देखो कैपिटल m को डिवाइड कर दोगे ऊपर नीचे तो यहाँ टू जी आर आ जाएगा और नीचे आएगा वन प्लस स्मॉल m बाई कैपिटल m, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन इसका बेटा करेक्ट है, फोर्थ करेक्ट है, थर्ड इसका इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि पोजिशन जो है वो गलत दे रखी है इसने, सेकंड करेक्ट हो ही चुका था। इसमें एक चीज और पूछी, द वेलोसिटी द ब्लॉक कैपिटल एम इज दिस एम बाई कैपिटल एम अंडर रूट टू जी आर, मतलब ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी आएगी, तो ब्लॉक की वेलोसिटी के लिए मैंने अभी भी आपको बताया, हमने अभी भी देखा था ब्लॉक की वेलोसिटी का रिलेशन क्या आया था, कैपिटल वी की वैल्यू मैंने क्या लिखी थी, स्मॉल एम अपॉन में कैपिटल एम इनटू स्मॉल वी आया था ना, यही तो आई थी, और स्मॉल वी की वैल्यू हमारे पास ये है, ये वाली वैल्यू इसमें रख दीजिए बेटा, तो कितनी वैल्यू आएगी, स्मॉल एम बाई कैपिटल एम, और वी की वैल्यू अंडर रूट में आ रही है टू एम जी आर अपॉन में एम प्लस स्मॉल एम, क्या इसके साथ मैच खा रही है ये, नहीं, एम बाई कैपिटल एम तो ठीक है लेकिन अंडर रूट में टू जी आर है उसमें ये वाली वैल्यू है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट है बेटा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सेकंड एंड फोर्थ, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, ये भी एमसीक्यू है मतलब मोर देन वन वाला क्वेश्चन है। ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम इज इनिशियली एट रेस्ट एट द ओरिजन, इट इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स एंड स्टार्ट्स मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस, इट्स काइनेटिक एनर्जी के चेंजेस विद टाइम डीके बाय डीटी
is equal to gamma t, where gamma is a positive constant of appropriate dimensions, which of the following statements is true? ठीक है, initially velocity कितनी थी particle की? Zero थी, है ना? Initially वो rest में था, और kinetic energy जो है आप जानते हो half mv square होता है, तो half mv square का अगर मैं time के respect में differentiation करूँ तो कितना आएगा? Half mv square का कितना आएगा? 2v into dv by dt, जिसकी value इसने gamma t के बराबर रखी हुई है, 2 से 2 यहाँ पे cancel out हो गया, तो हमारे पास कुछ relation बन रहा है, relation देखते हैं, फिर option देखेंगे, शायद कुछ काम बन जाए, यहाँ से देखिए m और gamma, m यहाँ पे constant है, v dv आ गया, और यहाँ देखिए ये gamma है, gamma भी constant और t है और dt को इधर multiply कर दीजिए आप, अब मैं integrate कर देता हूँ, तो velocity का time के साथ relation निकाल लेते हैं पहले, t बराबर 0 पर आपको velocity 0 दे रखी है और t बराबर t पे मैं velocity v assume कर लेता हूँ, तो यहाँ पर m और v का कितना जाएगा v square by 2, upper limit v है, lower limit 0 तो v square by 2 बराबर gamma और t का कितना जाएगा t square by 2, upper limit t, lower limit 0 तो t square by 2 बचेगा, 2 से 2 cancel out हुआ, then we have v is equal to, ये तो gamma आ गया इधर, m आ गया और under root करोगे तो under root gamma by m आ गया और t square का under root t आ जाएगा, तो यहाँ पर clearly नजर आ रहा है जो velocity है particle की, जो speed है, वो time के साथ linearly vary कर रही है, और मैं अगर आपसे कहूँ कि acceleration कितना आएगा, तो acceleration होता dv by dt, differentiate करोगे तो t का respect 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब acceleration constant आ जाएगा gamma by m का under root, तो अगर acceleration constant है तो force भी constant होगा बोलो, तो अब देखते हैं इसमें कौन-कौन से option सही हैं, the force applied on the particle is constant obviously, क्योंकि acceleration constant है तो force भी constant होगा, the speed of the particle is proportional to time, क्या speed time के साथ linearly vary कर रही है, definitely second option इसका correct है, थर्ड देखिए द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन इंक्रीजेस लीनियरली विद टाइम, क्या सही है, क्या डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगा, क्योंकि वन डायमेंशनल मोशन है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही होंगे, एक ही डायरेक्शन जा रहा है, क्या डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ लीनियरली वेरी करेगा? नहीं, वी बराबर डीएस बाई डी टी होगा, डीएस बाई डी टी, डी टी को आप इधर लेके जाओगे तो टी का टी के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई टू आ जाएगा, इसका मतलब एस जो है वो टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो ये इसका गलत हो जाएगा बेटा, थर्ड फोर्थ देखिए द फोर्स इज कंजर्वेटिव, फोर्स कंजर्वेटिव है क्या, देखो नॉर्मल वे में अगर अपन को दिया जाए कि अगर फोर्स कांस्टेंट लग रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, ठीक है फोर्स कांस्टेंट है, नॉर्मली अगर अपन को दिया जाए तो कांस्टेंट फोर्स के लिए हम उसको कंजर्वेटिव कैटेगरी के अंदर लगते हैं, जैसे एम जी लगता है, एम जी इज अ कांस्टेंट है ना, कंजर्वेटिव फोर्स है ना, उसी वे से इसको ट्रीट करते हैं अपन, तो इसमें फोर्स कंजर्वेटिव आप अज्यूम कर सकते हो बेटा, ठीक है, अब वैसे देखा जाए तो फ्रिक्शन फोर्स भी है, वो भी कांस्टेंट लग सकता है राइट, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन लगता है ना, वो एनर्जी को डिसिपेट करता है बेटा, तो ये फोर्स जो है पार्टिकल को एक्सेलेरेट कर रहा है, भगा रहा है राइट, उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, और अगर फोर्स यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है पार्टिकल को, तो इसका मतलब ये कंजर्वेटिव फोर्स है, करेक्ट। चलिए जी, इसके करेक्ट ऑप्शन कौन कौन से हो गए, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। A particle is moved along a path AB, BC, CD, DE, EF, FA as shown in the figure in the presence of a force F vector is equal to alpha y I cap plus 2 alpha x j cap newton where x and y in the meter and alpha is minus 1 newton per meter. The work done on the particle by this force F vector will be. आप सबसे पहले A से B में जाओगे, फिर B से C में, C से D में, D से E में, E से F में and F से A में. पूरा closed loop है देखिए, और इसमें total work done पूछा आपसे, work done की value कितनी आएगी? पहले तो ये अल्फा की वैल्यू माइनस वन दे रखा है आपको, ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए, फोर्स की वैल्यू लिख देते हैं अपन, ये माइनस वन रखूंगा तो माइनस का वाई आई कैप आ गया, ये माइनस का टू अल्फा एक्स जे कैप आ गया, ये फोर्स आ गया। सबसे पहले अपन वर्क डन फाइंड करेंगे ए से बी में, हम टुकड़ों में कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। ए से बी में अगर हम वर्क डन देखें तो ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो फोर्स है आई कैप वाला, ये किधर लगेगा? ये लगेगा माइनस आई कैप की तरफ, मतलब ये फोर्स इस तरफ लगने वाला है, और ये जो जे कैप वाला फोर्स है ये इस तरफ लगेगा, और हम पार्टिकल को ए से बी में ऐसे लेके जाएंगे, तो ये जो फोर्स है जे कैप वाला, ये तो परपेंडिकुलर है ना इस डिस्प्लेसमेंट के, तो वर्क डन तो उसके कारण जीरो हो जाएगा, मतलब इस कंपोनेंट का कोई यूज नहीं है, जीरो हो गया वर्क डन, लेकिन इस वाले कंपोनेंट का यूज है, ये फोर्स इस तरफ लग रहा है, क्लियरली नजर आ रहा है, और इस लाइन के लिए वाई कोऑर्डिनेट कितना वन है, तो फोर्स कितना हो जाएगा वन, मैग्नीट्यूड में बात करूं तो वन हो जाएगा, डायरेक्शन इधर है और फोर्स कॉन्स्टेंट हो गया, तो वन इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक इधर जाएगा, जो कि कितना है वन माइनस जीरो, मतलब वन आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क डन बाय दिस फोर्स अलोंग दिस पाथ ए टू बी इज माइनस नेगेटिव, क्यों? क्योंकि फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, नेगेटिव आएगा, वर्क डन कितना आएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कॉन्स्टेंट है, फोर्स की वैल्यू वन आई थी और डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्प्लेसमेंट भी वन है ना, सो वर्क डन इन दिस पाथ इज माइनस वन जूल। ठीक है, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही सिंपल सा
कैलकुलेशन था। अब बी से सी में आते हैं, बी से सी में आएंगे तो फोर्स तो यही है, आई कैप वाले की बात करें तो वो इधर लगेगा, और जे कैप वाले की बात करें ध्यान से देखना, जे कैप वाले की बात करें नेगेटिव जे के डायरेक्शन में है तो मतलब किधर लगेगा, अल्फा, सॉरी अल्फा यहां पर मैंने रिमूव कर दिया था, सॉरी अल्फा हम ऑलरेडी रिमूव कर चुके थे यहां पर, तो ये माइनस का 2x है, ओके अल्फा की वैल्यू माइनस बनती है ना 2x, तो ये माइनस का है इसका मतलब फोर्स इस तरफ लग रहा है बेटा, यहां पर भी मैंने गलत शो कर दिया, इस तरफ आएगा फोर्स, खैर वो फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर था तो जीरो हो ही जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। बी से सी में आइए तो इस वाले पार्ट के लिए तो फोर्स का वर्कडन जीरो आएगा, क्यों, क्योंकि आई कैप इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है बेटा, तो एंगल 90 तो वर्कडन जीरो आ जाएगा, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये माइनस ए का मतलब इस तरफ है और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, एक्स की एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा यहां पर, एक्स की वैल्यू 1 है, इस लाइन के लिए एक्स की वैल्यू 1 है, तो 1 रखोगे तो माइनस का 2 आया केवल, तो जो फोर्स है माइनस 2 जे के मतलब नीचे की तरफ लग रहा है और मैग्नीट्यूड कितना है 2 है, 2 मतलब नीचे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो केवल देखो डिस्प्लेसमेंट कितना है 1, ये 0.5, तो डिस्प्लेसमेंट केवल 0.5 है, तो 0.5 * 2 करूंगा तो कितना आएगा, प्लस का 1 आया कि नहीं आया, तो यहां पर वर्क डन कितना आएगा, प्लस 1 जूल, समझ गए, फोर्स कांस्टेंट आया ना, इसलिए सिंपल फोर्स * डिस्प्लेसमेंट कर दिया और फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन कितना आ गया, प्लस 1 जूल आ गया, ठीक है। तो ये माइनस 1 जूल, ये 1 जूल। अब सी से डी में आते हैं, सी से डी में आओगे तो अगेन बताओ इस वाले पार्ट के कारण वर्क डन जीरो हो गया, केवल इस वाले पार्ट का आएगा, और देखो फोर्स भी इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, इसका मतलब वर्क डन पॉजिटिव आएगा यहां पर। अब बताओ वर्क डन कितना आना चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट इस पे यहां पे इस लाइन के लिए कितना है, 0.5 है, तो 0.5 रख दूंगा तो फोर्स का मैग्नीट्यूड 0.5 आ गया, और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा यहां से यहां तक के लिए 1, ये 0.5, तो 0.5 भी डिस्प्लेसमेंट आया, फोर्स भी इधर डिस्प्लेसमेंट इधर, तो 0.5 * 0.5 कितना आया, 0.25, तो यहां वाले पार्ट के लिए वर्क डन कितना आएगा, 0.25 जूल, वो भी पॉजिटिव। अब डी से ई में आते हैं, डी से ई में आएंगे वापस देखा जाए तो इस वाले पार्ट का वर्कडन जीरो आ जाएगा, लेकिन इस वाले पार्ट का वर्कडन जीरो नहीं आएगा क्योंकि फोर्स नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है। फोर्स की बात करें तो देखो एक्स कोऑर्डिनेट इस लाइन का 0.5 है, तो एक्स की वैल्यू 0.5 रखो तो 0.5 * 2 कितना आ गया, 1 आ गया, तो यहां पर फोर्स है 1 नीचे की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट कितना है 0.5, क्योंकि 0.5 माइनस 0 तो 0.5 ही डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स की वैल्यू 1 है, 1 * 0.5 करेंगे बेटा वर्कडन कितना आएगा, 0.50 जूल, राइट। ये हो गया। अब हम चलते हैं ई से एफ में, ई से एफ में चलोगे तो बताओ जरा कौन से के कारण वक्टन निकालना अपने को, इसके कारण वक्टन जीरो हो जाएगा और इस वाले के कारण देखना देखा जाए तो इस लाइन पे बेटा वाई कोऑर्डिनेट जीरो है, वाई जीरो हो गया तो मतलब फोर्स ही जीरो हो गया, फोर्स जीरो मतलब वक्टन ही जीरो। अब चलते हैं एफ से ए में, एफ से ए में चलोगे बेटा तो ये वाला पार्ट यूजलेस, आई के वाला जे के वाला पार्ट जो हमारे लिए काम का है, लेकिन फोर्स किधर लग रहा है, नीचे, लेकिन फोर्स के लिए अगर आप देखो तो एक्स कोऑर्डिनेट इस लाइन के लिए बेटा जीरो है, पूरी लाइन के लिए, क्योंकि वाई एक्सिस है ये, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो, तो फोर्स अगेन यहां पर इस लाइन के लिए जीरो हो गया, तो इसमें भी वर्कडन जीरो, तो इस वाले पार्ट में वर्कडन जीरो और इस वाले पार्ट में वर्कडन जीरो। अब टोटल वर्कडन पूछा जाए तो बताओ टोटल वर्कडन कितना आया, माइनस 1 प्लस 1 ये जीरो हो गया, 0.25 मतलब 0.75 जीरो प्लस जीरो, तो टोटल वर्कडन यहां पर कितना जाएगा, 0.75 जूल, ओके। तो ये क्वेश्चन भी देखा जाए तो इजी लेवल की कैटेगरी में आप रख सकते हो बेटा, तो काफी आसान आसान क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जेई के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 13 बेटा, ए स्मॉल पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग इनसाइड ए हैवी होलो स्ट्रेट ट्यूब अलोंग द ट्यूब एक्सिस अंडरगोज इलास्टिक कोलिजन एट टू एंड्स, द ट्यूब हैज नो फ्रिक्शन एंड इट इज क्लोज्ड एट वन एंड बाय ए फ्लैट सरफेस व्हाइल द अदर एंड इज फिटेड विद ए हैवी मूवेबल फ्लैट पिस्टन एज शोन द फिगर, व्हेन द डिस्टेंस ऑफ द पिस्टन फ्रॉम क्लोज्ड एंड इज एल इक्वल्स टू एल नॉट द पार्टिकल स्पीड इज वी इक्वल्स टू वी नॉट, द पिस्टन इज मूव्ड इनवर्ड एट ए वेरी लो स्पीड कैपिटल वी सच दैट कैपिटल वी इज वेरी वेरी लेस देन डीएल बाय कैपिटल एल वी नॉट वेयर डीएल इज द इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है, तो एक पार्टिकल है, मास एम है पार्टिकल का और वेलोसिटी वी है इसकी, और ये कह रहा है इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है जब इसकी, तो ये जो ट्यूब लेंथ है उस केस में एल नॉट है, और ये जो पिस्टन आपको दिख रहा है ये हैवी पिस्टन है, ठीक है हैवी पिस्टन है, और ये कांस्टेंट स्पीड कैपिटल वी से मूव कर रहा है इस तरफ और काफी धीमे धीमे मूव कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है कि ये इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है, जहां पर डीएल जो है ना इस पिस्टन का स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है और स्मॉल टाइम इंटरवल डीटी के अंदर है ना, वेरी वेरी स्मॉल, इसका मतलब ये हुआ कि जो गोली है ना ये गोली बहुत हाई स्पीड से मूव कर रही है यहां पर, तो अगर ये पिस्टन हल्का सा भी मूव करेगा ना तो उस दौरान ये गोली पता नहीं कितनी बार कोलिजन कर जाएगी, समझ में आई बात, ये केस है यहां पर। और इस केस को समझे अपन, जैसे मान लो यहां पे कैपिटल वी है, डीटी टाइम में ये जो पिस्टन है ये हल्का सा डिस्प्लेस होता है और डिस्प्लेसमेंट कितना है डीएल है, डीएल, तो वी को मैं लिख सकता हूं डी कैपिटल एल बाय डीटी,
डीटी टाइम कौन सा है इस पिस्टन को इधर आने में जो टाइम लगा, इज वेरी वेरी लेस देन, यहां पे डीएल है, यहां पर ये एल है, एल मतलब ये डिस्टेंस है, और ये जो गोली है सपोज यहां से यहां तक जाने में टी टाइम लेती है ये, तो इसको वी वी या वी नॉट की बात करूं तो वी नॉट जो आएगा वो कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और टाइम इस गोली को यहां से यहां तक लगेगा कितना टी, तो वी नॉट को मैं लिख सकता हूं एल बाय टी, एल से एल कट गया, डीएल से डीएल कटा, इसका मतलब यहां से जो रिलेशन अपन को पता लग रहा है वन अपॉन डी टी इज वेरी वेरी लेस देन वन अपॉन टी, मतलब इसको इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, इसका उल्टा क्या आएगा, डी टी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल टी, मतलब ये इस पिस्टन को हल्का सा डिस्प्लेस होने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम भैया इस गोली को यहां से यहां तक आने वाले टाइम से बहुत ज्यादा है, मतलब गोली बहुत फास्ट मूव कर रही है, बहुत ज्यादा फास्ट मूव कर रही है, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट अगर पिस्टन का हल्का सा भी है ना तो उस दौरान गोली बहुत हाई स्पीड से कोलिजन कर रही है और बहुत फटाफट पता नहीं कितनी बार कोलिजन कर जाएगी, ठीक है। तो ये इसके अंदर कुछ राज जो छुपा हुआ था उसको हमने देख लिया। अब देखते हैं इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहला कह रहा है आफ्टर ईच कोलिजन विद द पिस्टन द पार्टिकल स्पीड इंक्रीजेस बाय 2V, कि ये सही है, कोलिजन इलास्टिक है, ये तो फ्लैट है और ये मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब जिस स्पीड से भिड़ेगा उसी सेम स्पीड से वापस आ जाएगी बॉल, राइट। लेकिन यहां पर ये स्लो स्पीड से मूव कर रहा है पिस्टन कैपिटल वी से, तो हैवी भी है और इलास्टिक कोलिजन भी है। बिफोर कोलिजन की बात करूं, इस गोली की स्पीड है वी और ये जो पिस्टन है पिस्टन की स्पीड है कैपिटल वी। आफ्टर कोलिजन पिस्टन की स्पीड पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि पिस्टन हैवी है और जो गोली है उसकी स्पीड हो चुकी है वी डैश। तो इलास्टिक कोलिजन के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होता है जो कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का रेशियो होता है। अगर वो 1 है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है आफ्टर कोलिजन, वी डैश माइनस वी हो जाएगा आफ्टर कोलिजन, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन क्या आ जाएगा, वी प्लस कैपिटल वी, क्योंकि दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, ऐड हो जाएंगी। यहां से अगर आप देखो तो वी डैश की वैल्यू कितनी आई, वी प्लस में ये वी इधर चला जाएगा 2V, है ना। तो यहां से क्लियरली पता लग रहा है कि बिफोर कोलिजन अगर गोली की स्पीड वी है ना तो आफ्टर 1 कोलिजन स्पीड हो जाएगी वी प्लस 2V, तो 2V ऐड हो गया, तो हर कोलिजन के बाद स्पीड 2V ऐड हो जाएगी। तो आफ्टर ईच कोलिजन विद द पिस्टन द पार्टिकल स्पीड इंक्रीजेस बाय 2V, क्या ये सही है, डेफिनेटली सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हर बार जैसे मान लीजिए पहले स्पीड वी नॉट थी, वी नॉट स्पीड है, भिड़ के जाएगी तो स्पीड कितनी हो जाएगी, वी नॉट प्लस 2V, वहां जाएगी वहां से भिड़ेगी सेम स्पीड से वापस आएगी, वापस वी नॉट प्लस 2V में और 2V ऐड हो जाएगा तो वी नॉट प्लस 4V हो जाएगा, फिर थर्ड कोलिजन में वी नॉट प्लस 6V हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं ये कहूं कि एन कोलिजन हो रही है, कैपिटल एन कोलिजन हो रही है, तो स्पीड फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी इसकी, वी डैश इक्वल टू वी नॉट प्लस 2NV, है ना। अगर कैपिटल एन कोलिजन हुई है तो उस केस में जो स्पीड है इस बॉल की वी नॉट प्लस 2NV हो जाएगी, मतलब हर बार जो है स्पीड 2V का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है कि नहीं है, यस फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, इफ द पिस्टन मूव्स इनवर्ड बाय डीएल द पार्टिकल स्पीड इंक्रीजेस बाय 2V dl/L, ये देखना पड़ेगा अपन को। ये कह रहा है कि जब पिस्टन हल्का सा डिस्प्लेस होता है ना, डीएल मतलब बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, तो हल्का सा डिस्प्लेस होगा तो पार्टिकल कई बार कोलिजन कर जाएगा ना, है ना, तो कोलिजन करेगा तो हर कोलिजन में 2V का इजाफा हो रहा है, और यहां से क्लियरली नजर आ रहा है कि अगर n कोलिजन हो जाती हैं, अगर n कोलिजन हो जाती हैं तो स्पीड में इंक्रीमेंट कितना आया, 2NV आया कि नहीं आया, ये रिलेशन मतलब इंक्रीमेंट ये वाला पार्ट है, और ये कह रहा है इंक्रीमेंट जो है वो 2V dl/L के बराबर है, ये हमें देखना है। इसको देखने से पहले मैं चाहता हूं कि हम थर्ड ऑप्शन को जरूर देखें। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, द रेट एट विच द पार्टिकल स्ट्राइक्स द पिस्टन इज V/L, पार्टिकल जिस रेट से इस पिस्टन पे स्ट्राइक कर रहा है ना वो रेट V/L के इक्वल है, क्या ये सही है। चलो पहले इसको चेक करते हैं देन फिर आगे प्रोसीड करते हैं बेटा, ठीक है। तो इसको मैं रब कर देता हूं यहां पर, ये पता लगी गया हमें, ओके। आप ये देखिए कि किसी इंसिडेंट पे पार्टिकल की स्पीड वी है और डिस्टेंस कितनी है, ट्यूब लेंथ कितनी है, कैपिटल एल है, पिस्टन बहुत स्लोली मूव कर रहा है, तो पार्टिकल जब भिड़ करके जब इस पिस्टन से निकलेगा, मान लो उसकी स्पीड वी है, राइट, उस समय उसकी स्पीड वी है, वी से गया डिस्टेंस कितना चलेगा एल, तो टाइम कितना लगेगा एल बाई वी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वापस भिड़ के आएगा उसी सेम स्पीड वी से, अगेन टाइम कितना लगा एल बाई वी, उस ड्यूरेशन में पिस्टन बहुत ही कम नै के बराबर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, इसका मतलब पार्टिकल को एक कोलिजन में कितना टाइम लग रहा है, एल बाई वी प्लस एल बाई वी, मतलब 2L/V टाइम लगा।
वन कोलिजन में पार्टिकल को टाइम कितना लग रहा है, 12/v, ठीक है। तो फिर वन सेकंड में कितनी कोलिजन करेगा, वन सेकंड में, तो वन सेकंड में जो कोलिजन कर रहा है उसको मैं dn by dt लिख देता हूं, dn by dt, वन कोलिजन में dn by dt वैल्यू कितनी हो जाएगी, v by 2l, उसका reciprocal ही तो होगा, है ना। dt टाइम में जब एक कोलिजन कर रहा है तो यूनिट टाइम में कितनी कोलिजन करेगा, है ना, यूनिट टाइम में कितनी कोलिजन करेगा, वो आ जाएगा v by 2l, है ना, सिंपल। तो ये रेट आ गया आपके पास कि किस रेट से जो पार्टिकल है वो कोलिजन कर रहा है, और ये रेट डेफिनेटली चेंज हो रही है, क्यों, क्योंकि v अगर देखा जाए स्पीड है पार्टिकल की, और स्पीड लगातार चेंज हो रही, बढ़ रही है, ये v बढ़ रहा है, और l जो है वो ट्यूब लेंथ वो लगातार डिक्रीज होगा क्योंकि पिस्टन मूव कर रहा है, तो l घट रहा है, l डिक्रीज हो रहा है और v बढ़ रहा है, इसका मतलब dn by dt लगातार इंक्रीज हो रहा है, तो रेट जो है ना भिड़ने की वो लगातार बढ़ रही है बेटा। तो यहां पर रेट कह रहा था, रेट इज द पार्टिकल साइज द पिस्टन इज v by l, मतलब ये इनकरेक्ट हो गया, अगर ये 2v by l, v by 2l होता तो फिर उस केस में आंसर सही हो जाता, तो यहां पर ये गड़बड़ हो चुका है। अब हम सेकंड में चलते हैं, इफ द पिस्टन मूव्स इनवर्ड बाय dl द पार्टिकल स्पीड इंक्रीजेस बाय 2v dl बाय l, ये चेक करते हैं। पर एक बात बताओ, मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dl से वो खिसका पिस्टन, तो उस दौरान मैं ये मान के चलता हूं कि पार्टिकल जो कोलिजन करता है वो dn कोलिजन कर गया, कितनी कोलिजन करता है, dn, dn अगर कोलिजन करा तो बताइए स्पीड में इजाफा कितना होगा, कितना इंक्रीमेंट होगा, 2dnv ना, मैंने बस n को dn लिखा है और कुछ नहीं किया, तो जो dv है, जो इजाफा है वो कितना हुआ, 2dn into में कैपिटल v, और कैपिटल v क्या है, पार्टिकल इस पिस्टन की स्पीड, और स्मॉल टाइम dt के अंदर वो पिस्टन शिफ्ट हुआ, तो क्या इस कैपिटल v को मैं लिख सकता हूं dl by dt, ऑब्वियसली लिख सकते हैं भाई, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शन में यहां कैपिटल v आ नहीं रहा है, तो उसको मुझे dl के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, तो कैपिटल v इज dl by dt, यहां पे देखना dn by dt जो आपको नजर आ रहा है, dn by dt v by 2l है ना, yes obviously, तो ये वाली वैल्यू आप रख सकते हो यहां पर, तो 2 dn by dt की वैल्यू रख सकता हूं v by 2l और इनटू में आ गया dl, ये 2 से 2 कट गया, तो बताइए dv स्पीड में इजाफा कितना हुआ, dv कितना है, यहां से dv आ गया v dl by l, ये हुआ इंक्रीमेंट, लेकिन इसने क्या दे रखा, 2v dl by l, जो कि क्या हो गया, इनकरेक्ट, तो सेकंड इसका इनकरेक्ट हो गया, हुआ ना, आया समझ में, काफी सिंपल है देखिए, लेकिन है लॉजिकल क्वेश्चन, काफी लॉजिकल क्वेश्चन है। फोर्थ देखिए, द पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 4 व्हेन द पिस्टन इज मूव्ड इनवर्ड फ्रॉम एल नॉट टू एल नॉट बाय 2। अब ये कह रहा है कि पार्टिकल जब ये पिस्टन एल नॉट बाय 2 तक चला जाएगा तो पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना टाइम्स हो जाती है, है ना, किस फैक्टर से, मतलब ये हुआ कितना टाइम्स हो जाती है वो, ये हमको पता लगाना है। तो इसका मतलब स्पीड का डायरेक्टली रिलेशन पता लगना चाहिए, और स्पीड का रिलेशन हमें पता लग चुका है यहाँ पर, अभी अभी हमने फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ से, और स्पीड का रिलेशन जो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है वो देख लेते हैं। मैंने अभी भी आपको बताया dv की वैल्यू कितनी आई, v into dl by l, यही आया ना, v को मैं डिवाइड में ले आता हूँ, dl और डिवाइड में l, इसको मैं कर देता हूँ इंटीग्रेट, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन चलने देते हैं यहाँ पे। तो dv by v ये ln v हो जाएगा, ये ln l हो जाएगा, और प्लस में कोई कांस्टेंट ऐड कर दीजिए, सही है, ये ln l इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पर, राइट। हाँ, यहाँ पर मैंने एक हल्की सी मिस्टेक की है, वो क्या, यहाँ ये माइनस आएगा साइन, ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि l जो है वो डिक्रीज हो रहा है बेटा, l जो है यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल में जो रिलेशन आना चाहिए यहाँ पर वो क्या आना चाहिए, dv इज इक्वल टू v बाय l, और यहाँ पे dl क्या आएगा, माइनस का आएगा, राइट, माइनस का आएगा, तो एक्चुअल रिलेशन में यहाँ पे माइनस आना जरूरी है, मस्ट है, जरूरी है, तो माइनस v dl बाय l, ये रिलेशन यहाँ पे एग्जैक्ट आएगा, क्योंकि l क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है, है ना, तो यहाँ पे dl नेगेटिव है, खुद नेगेटिव, नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, उस केस में फिर dv पॉजिटिव होगा, राइट। तो ये चीज का ध्यान रखें, तो यहाँ पे माइनस का dl बाय l आएगा, तो यहाँ माइनस का ln l आ गया, इधर लेके जाइए, तो ये l ln v और प्लस ln l, तो log m प्लस n वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, ln v l बराबर कॉन्स्टेंट आ गया, तो ln vl बराबर कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब vl जो है वो भी तो कॉन्स्टेंट ही होगा, v इंटू l जो है वो कॉन्स्टेंट होगा, इसका मतलब v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l। तो अगर ये लेंथ, ट्यूब लेंथ अगर आधी हो जाती है, हाफ हो जाती है, तो v क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, अरे बोलो, 1 बाय l के प्रोपोर्शनल है ना, तो v डबल हो जाएगा, v अगर डबल हो गया तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, v स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी,
अगर स्पीड डबल होगी तो काइनेटिक एनर्जी 4 times हो जाएगी, तो यस काइनेटिक एनर्जी 4 times है ना, फैक्टर 4 से जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन भी इसका करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन से हो गए इसका, फर्स्ट एंड फोर्थ, क्लियर। चलिए हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 14, स्टूडेंट स्केट्स अप ए रैंप दैट मेक्स एन एंगल 30 degrees विद द हॉरिजॉन्टल, ही शी स्टार्ट्स एज शोन इन द फिगर एट द बॉटम ऑफ द रैंप विद स्पीड वी नॉट एंड वांट्स टू टर्न अराउंड ओवर ए सेमी सर्कुलर पाथ एक्स वाई जेड ऑफ रेडियस आर ड्यूरिंग विच ही शी रीचेज ए मैक्सिमम हाइट एच एट पॉइंट वाई फ्रॉम द ग्राउंड एज शोन द फिगर, अज्यूम दैट द एनर्जी लॉस इज नेग्लिजिबल एंड द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर दिस टर्न एट द हाइएस्ट पॉइंट इज प्रोवाइडेड बाई हिज हर वेट ओनली, देन जी इज द एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। ओके देखिए ये रैंप है, यहां पर वी नॉट स्पीड से ये मोशन स्टार्ट करता है, और ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये आइसोमेट्रिक व्यू है, थोड़ा 3D डायग्राम है। अगर इसका साइड व्यू लें अपन तो कुछ डायग्राम आपको ऐसा नजर आएगा, यहां से ये वी नॉट स्पीड से और ये हाइट एच है, ये मैक्सिमम हाइट है, ये मैक्सिमम टॉप पॉइंट है, ये हाइट है एच, ठीक है। और यहां पर ये ना यहां से चलता हुआ घूम के जाता है और फिर यूं टर्न लेता है यूं, ठीक है, रैंप पे टर्न ले रहा है, यूं गया और यूं आया। तो ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ना ये वाला, इस पॉइंट की हाइट एच दे रखी है आपको, और यहां पर जो स्पीड है, यहां पे मैं डायग्राम में शो कर रहा हूं, यहां पे स्पीड टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड इसकी वी मान लेता हूं मैं, ठीक है। तो थोड़ा गौर से देखना, यहां पे ये वाला पॉइंट है, यहां पे स्पीड वी है, लेकिन ध्यान देना वी अंदर की तरफ होगा, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग यूं आएगा और यूं जाएगा, ये अंदर की तरफ स्पीड है, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो अगर मैं टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करूं, क्योंकि इसमें एच भी आ रहा है और ये डेफिनेटली एनर्जी कंजर्वेशन से ही कुछ ना कुछ रिलेशन बनेगा, तो इसमें एच यहाँ पे दे रखा है अपन को, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर वी की वैल्यू कितनी आएगी। ये सर्कुलर पाथ है यहाँ तक, तो इस पार्टिकल पे एम जी इधर लगेगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पर केवल वेट का इफेक्ट पड़ रहा है ये कह रहा है, नॉर्मल इधर लगेगा, तो इस सर्कल का सेंटर यहाँ आएगा ना, सेंटर देखो यहाँ पर है, रैम्प पे ही तो है, ये रेडियस आ रहा है, तो सेंटर यहाँ पे आ रहा है, तो एन तो इस सर्कल के परपेंडिकुलर हुआ जो कि सेंट्रीपेटल फोर्स जनरेट नहीं करेगा, लेकिन एम जी जो है ये वाला एंगल 30 है, तो ये वाला एंगल 60 आ जाएगा, तो एम जी का इस तरफ जो कंपोनेंट आया इस तरफ टुवर्ड सेंटर वो कितना आएगा, इस तरफ आएगा टुवर्ड सेंटर, जो कि एम जी कॉस 60 के बराबर आएगा, एम जी कॉस 60 कितना आ जाएगा, एम जी बाई टू टुवर्ड सेंटर, और एक एम जी का ये वाला कंपोनेंट आएगा, तो मतलब सेंटर की तरफ फोर्स तो केवल एम जी बाई टू ही तो है जो कि सेंट्रीपेटल फोर्स होगा, और सेंट्रीपेटल फोर्स किसके बराबर आएगा, m इंटू वी स्क्वायर बाय, और यहाँ पे स्पीड मैंने v मानी है, तो v स्क्वायर बाय r, r इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, m से m कट गया, तो यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, v स्क्वायर आ गया g r बाय 2 है ना, तो यहाँ पे स्पीड आ गई। अब मैं मैकेनिकल एनर्जी लगा करके इसको सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ देखिए यहाँ पर इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0 हो जाएगी, और जब पार्टिकल यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट पहुंचेगा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, एम जी एच, एच हाइट आपको दे रखी है यहाँ पर, तो एम 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 कैंसिल आउट हो गया, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये वी नॉट स्क्वायर बराबर, यहाँ वी स्क्वायर बचा केवल, और वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, जी आर बाई 2, तो जी आर बाई 2 मैं यहाँ रख देता हूँ, और प्लस में ये 2 इधर जाएगा तो 2 जी एच आ जाएगा, सो वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू जी आर बाई 2 प्लस 2 जी एच, ये मैच करते हैं देखते हैं, 2 जी एच अच्छा माइनस है तो ये इधर ले आओ, वी नॉट स्क्वायर माइनस 2 जी एच बराबर जी आर बाई 2 आना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन, यस फर्स्ट ऑप्शन पूरी तरह से मैच कर रहा है, सेकंड ऑप्शन बेटा इसका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्लियर, काफी सिंपल सा रिलेशन है। चलो थर्ड पढ़ते हैं, द सेंट्रीपेटल फोर्स रिक्वायर्ड एट पॉइंट एक्स एंड जेड इज 0, एक्स और जेड पॉइंट को देखो आप गौर से, सर्कल का ही पार्ट है ये, एक्स वाले पॉइंट की बात करूं तो वेलोसिटी इधर होगी, और वेलोसिटी ऑब्वियसली एक्स वाले पॉइंट पर ज्यादा होगी एज कंपेयर टू वाई, वाई पर वेलोसिटी कम है क्योंकि वाई वाली हाइट ज्यादा है ना, ये वाली हाइट कम है यहां पर, यहां पे हाइट कम है इसका मतलब स्पीड ज्यादा होगी, यहां पर स्पीड ज्यादा है तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है, v स्क्वायर बाय r होती है, और सेंट्रीपेटल फोर्स m v स्क्वायर बाय r होगा, सीधी सी बात स्पीड ज्यादा होगी तो सेंट्रीपेटल फोर्स भी ज्यादा होगा यहां पर, और धीरे धीरे सेंट्रीपेटल फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, वापस बढ़ने लगेगी, और z और x पर सेंट्रीपेटल फोर्स की वैल्यू सेम होगी और ज्यादा होगी सर्कुलर पाथ के लिए। तो ये कह रहा था सेंट्रीपेटल फोर्स रिक्वायर्ड एट पॉइंट x एंड z इज 0, तो ये तो गलत हो गया, फोर्थ कह रहा था सेंट्रीपेटल फोर्स रिक्वायर्ड इज मैक्सिमम एट x एंड z डेफिनेटली, तो फोर्थ ऑप्शन का सही हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये थे आपके जेई एडवांस्ड 2013 टू 2020 तक के वर्क एनर्जी पावर सर्कुलर मोशन कॉलिजन और सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें से आपने ऑब्जर्व किया होगा कई क्वेश्चन काफी इजी आते हैं, काफी इजी, कुछ एक क्वेश्चन वास्तव में टेक्निकल अच्छे होते हैं जिनमें आपको दिमाग भी सही से लगाना होगा, ठीक है।
और रिलैक्स होकर अगर आप पेपर को करोगे तो आप उन क्वेश्चन को भी अच्छे से कर सकते हो, है ना। ऑप्शंस को केयरफुली रीड करें, कहीं ना कहीं अपन को क्वेश्चन को सोल्व करने का हिंट मिल जाता है। ठीक है, तो अच्छे से मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।